नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। एक्टर शाहरुख खान और सलमान खान की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। उनके फैंस दोनों को एक साथ पर्दे पर देखने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन दोनों गिनी चुनी फिल्मों में ही साथ नजर आए हैं। शाहरुख ने सलमान की ट्यूबलाइट में स्पेशल अपीयरेंस दी थी, तो वहीं सलमान ने शाहरुख की जीरो में। शाहरुख सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आए थे। लंबे समय से दोनों को बड़े पर्दे पर लीड रोल में साथ नहीं देखा गया है, लेकिन अब खबरें हैं कि दोनों एक साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी हां, रिपोर्ट्स की माने तो दोनों एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में आ सकते हैं। संजय लीला भंसाली की एक फिल्म में दोनों को एक साथ कास्ट करने का मन बना रहे हैं। बता दें कि भंसाली ने सलमान के साथ खामोशी द म्यूजिकल और हम दिल दे चुके सनम की थी, तो वहीं शाहरुख के साथ उन्होंने देवदास की थी। और अब डायरेक्टर दोनों खान के साथ मिलकर मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो भंसाली ने हाल ही में पीरियड ड्रामा फिल्म पद्मावत बनाई थी। इस हाई बजट की फिल्म में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर लीड रोल में थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा कर रख दिया था। फिल्म ने लाइफ टाइम 302 करोड़ की कमाई की थी। ये 2018 की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी। पहली फिल्म राजकुमार हिरानी की संजू थी। वहीं सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो जल्द ही फिल्म भारत में नजर आने वाले हैं। फिल्म में कैटरीना कैफ उनके ओपोजिट रोल में है। अली अब्बास जफर मूवी का निर्देशन कर रहे हैं। फिल्म का टीजर 25 जनवरी को रिलीज कर दिया गया। वहीं शाहरुख हाल ही में फिल्म जीरो में नजर आए थे। फिल्म का निर्देशन आनंद एल रॉय ने किया था। फिल्म में कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा लीड रोल में थे। हालांकि इस फिल्म को ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। अब ऐसे में शाहरुख और सलमान की इस जोड़ी को देखना अपने आप में काफी दिलचस्प होगा। वैसे भी इन दोनों के खान वॉर की खबरें भी काफी आती रही हैं। फिलहाल इन दोनों के बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग हो चुकी है और अक्सर ये दोनों साथ नजर आते हैं। देखना दिलचस्प होगा दोनों का जादू जो भंसाली क्रिएट करने वाले हैं अपनी फिल्म में। वेल, आपको एक बार बता देते हैं सलमान खान की फिल्म भारत के बारे में, जो कि आप जरूर जानना चाहते होंगे अगर आप सलमान खान के फैन हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग फिल्म भारत को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। हाल ही में फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया, जिसके बाद फैंस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के ट्रेलर को मेकर्स स्पेशल तैयारी के साथ लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। इस फिल्म को लेकर खबरें आ रही हैं कि मेकर्स ने भारत के लिए टोटल 6 गाने तैयार किए हैं, जिसमें से 3 गानों में भारतीय त्योहारों को दिखाया जाएगा। गानों को होली, दिवाली, शादी के इर्द गिर्द बनाया गया है और बाकी के 3 गानों को फिल्म की कहानी के मुताबिक तैयार किया गया है। इस तरह सलमान खान भी काफी खबरों में हैं अपनी फिल्म भारत को लेकर। अब ऐसे में फैंस के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि जब सलमान और शाहरुख एक साथ नजर आने वाले हैं और ये धमाका करने वाले हैं संजय लीला भंसाली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।